अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के पास भी इतनी गर्मी है? गर्मी में तो कुछ खाने का दिल ही नहीं कर रहा हमारा, लेकिन एज यू नो गर्मी में सबसे ज़्यादा कंसम्पशन जो होती है वो है आइसक्रीम। तो आज हम आपके लिए लाए हैं आइसक्रीम, बहुत मज़ेदार आइसक्रीम है। हमारे यहाँ पे एक आइसक्रीम मिलती है मैकडोनल्ड पे, मैकफ्लरी। पहले वो डिफरेंट हमें मिलती थी उसके साथ, M&M's के साथ। अब उन्होंने इसको सिर्फ रख दिया हुआ है पीनट M&M's के साथ, लेकिन आई डू लाइक देम ऑल्सो विद द ब्लू वंस, क्रिस्पी M&M's। तो मैंने जो है तीन मिक्सचर्स बनाए हैं M&M के। इसमें कोई ख़ास काम नहीं है, सिर्फ M&M के पैकेट्स हैं क्रश्ड, थ्री टाइप्स। एंड साथ हमने बनाई है खुद से वनीला आइसक्रीम। ये थोड़ी सॉफ्टर वर्जन है देन द नॉर्मल वंस यू गेट इन द पैक एट द स्टोर। ये देखें, ये काफ़ी सॉफ्ट है और डिलीशियस है। इसको हमने थोड़ा सॉफ्ट इसलिए रखा है क्योंकि हम लोग इसमें नट्स और डिफरेंट चीज़ें ऐड करेंगे जिससे हमारी जो है थिक हो जाएंगी। और इसका ये फ़ायदा भी है, हर कोई जिसको जो फ्लेवर पसंद हो, आपको नहीं कोई फ्लेवर पसंद है तो आप जस्ट खाएं द वन विदाउट एनी थिंग। आपको पसंद है तो आप खाएं विथ अ लॉट ऑफ अ लॉट ऑफ नट्स, अ लॉट ऑफ चॉकलेट, अ लॉट ऑफ फ्रूट्स। आप इसमें फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। इट हैज़ सो मच ऑप्शंस टू इट। आप यही नहीं, आप इवन इसमें चाहें तो स्निकर्स ऐड कर लें, ट्विक्स ऐड कर लें, जो आपको पसंद है। पसंद है तो ऐड करें, नहीं है स्किप करें, लेकिन ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिर्फ चार चीज़ों के साथ हमने ये बनाया है और हमें कोई ख़ास मेहनत या कोई ख़ास काम नहीं करना पड़ा। और उसके बदले जो हमें चीज़ मिली है, इट्स रियली डिलीशियस। एज यू कैन सी, दैट्स माई कप ऑफ आइसक्रीम विद अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स इन इट, अ लॉट ऑफ नट्स, अ लॉट ऑफ M&M's। सो प्लीज़ ज़रूर बनाएं, लेकिन उससे पहले डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा, थैंक यू। चलें तो हम बिस्मिल्ला करते हैं अपनी छोटी असिस्टेंट के साथ। सबसे पहले आप नोट कर लें जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए अपनी आइसक्रीम बनाने के लिए। हमने सबसे पहले ली है 700 ग्राम्स ऑफ हैवी क्रीम। उसके बाद हमने ली है 400 ग्राम्स ऑफ शुगर, चीनी। उसके बाद हमने लिए है 2 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट और हमने लिए 3/4 टेबल स्पून ऑफ साल्ट, यानी नमक, सॉल्ट। तो अब हम इसको पकाएंगे। अब हम सबसे पहले अपनी हैवी क्रीम को एक बर्तन में डाल के स्टोव पे रख देंगे। हमने उसको लो हीट पे रखा है, इसको हमें पकाना नहीं है। हमने सिर्फ इसमें अपनी चीनी ऐड करनी है और उसको हमने तब तक पकाना है और स्टिर करना है जब तक हमारी जो चीनी है वो मिक्स ना हो जाए, इसमें कोई मोटी चीनी ना रहे, रिजॉल्व हो जाए। तो आप इसको हल्की आंच पे पकाएं और इसको रिजॉल्व होने तक पकाएं। इसको ज़्यादा पकाए मत के वो बॉईल हो, इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमने शुगर डिज़ोल्व करनी है, साथ ही हमने इसमें अपना नमक ऐड कर देना है। ये दोनों चीज़ों को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, जितनी चीनी है उतनी ही डालिएगा और जितना नमक है वो भी स्किप मत करिएगा। उसका रीज़न ये है कि इसमें जो शुगर है वो अपना हैवी क्रीम में जो पानी है उसके पानी को कट डाउन करती है, जिसकी वजह से हमारी आइसक्रीम आसानी से अच्छी बन जाती है। अब हमारी जो चीनी है वो डिज़ोल्व हो चुकी है, तो हम अब इसमें अपना वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
और हम अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक कंटेनर में डाल के इसको फिलहाल फ्रिज में रखेंगे 2 घंटे के लिए। फ्रीज़र में अभी हमने इसको नहीं रखना, हमने सिर्फ इसको फ्रिज में रखना है फॉर 2 आवर्स।